हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को बलड़ी बाईपास करनाल में 98 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित श्रीमद् भागवत गीता द्वार तथा अटल पार्क के किनारे स्थापित श्री कृष्ण अर्जुन प्रतिमा गीता चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में गीता ज्ञान के अभाव के कारण ही अनेक प्रकार के दुख और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में गीता संदेश का मार्गदर्शन नहीं है, वह अपनी लालसाओं को बढ़ाता रहता है और इन बड़ी हुई लालसाओं की पूर्ति के कारण ही भ्रष्टाचार जन्म लेता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने इसी स्थल से जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव की भव्य और आकर्षक नगर शोभा यात्रा भी झंडी दिखाकर रवाना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद व अन्य संतों से चर्चा के उपरांत यह कार्य योजना तैयार की जा रही है कि जिस तरह विदेशों में गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसी तर्ज पर भारत के हर राज्य में भी 3 दिवसीय गीता महोत्सव हो सके। उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षों के दौरान के प्रयासों के फलस्वरूप गीता जयंती महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्सव बन चुका है, जहाँ कुरुक्षेत्र में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के राजनयिक व प्रतिनिधि इस महोत्सव का हिस्सा बनते हैं। वहीं इस वर्ष फरवरी में मॉरिशस और अगस्त में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो चुका है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में मार्च के महीने में ऑस्ट्रेलिया और जुलाई में कनाडा में यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा नेपाल ने भी इस तरह का आयोजन करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बलड़ी चौक पर 98 लाख रुपए की लागत से नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए श्रीमद् भागवत गीता द्वार के उद्घाटन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अलग अलग महापुरुषों के नाम पर इस तरह के 7 द्वार बनाने की योजना है, जिनमें से एक का कार्य पूरा हो चुका है और 2 अन्य पर कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि इन द्वारों के निर्माण से करनाल को जहां विशेष पहचान मिलेगी, वहीं करनाल आने वाले लोगों को महापुरुषों के जीवन का संदेश भी मिलेगा। इस मौके पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता के कल्याण और विश्व बंधुत्व के लिए गीता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार विशेष तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विराट देवता का रूप धारण कर चुका है और कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा विश्व गीतामय हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि आज ग्लोबल गीता चैटिंग कार्यक्रम में 18,000 विद्यार्थियों ने सामूहिक गीता श्लोकों का उच्चारण और योग क्रियाओं के प्रदर्शन से एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया है। समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट को रोकने के लिए ही हरियाणा सरकार द्वारा गीता महोत्सव जैसा प्रयास आरंभ किया गया है। हरियाणा के प्रत्येक जिले में 3 दिन से गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम लोगों को गीता के संदेश के संबंध में बताया और गीता के प्रचार प्रसार के लिए कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम उसका एक आपके सामने विषय रखा। बहुत भव्य कार्यक्रम उसका चल रहा है, न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि सभी जिला केंद्रों पर 3-3 दिन के कार्यक्रम ये चल रहे हैं। विदेशों में भी जैसे कार्यक्रमों की योजना बनी उसके समाचार आ रहे हैं। इस वर्ष मॉरिशियस में फरवरी महीने में 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था। यूके में भी अगस्त में इसी प्रकार का एक कार्यक्रम हुआ लंदन में। आने वाले समय में मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी तिथियां अपनी बताई हैं कि 3 दिन का वो कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने हमको निमंत्रण दिया है, स्वामी जी को भी मुझे भी। और ऐसे ही जुलाई मार्च में कनाडा में कार्यक्रम होगा। नेपाल के लोगों ने भी, वहां के डिप्टी हाई कमिश्नर पिछली 3 तारीख को जब कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी संकल्प किया कि हम भी वहां 3 दिन का गीता जयंती का कार्यक्रम करेंगे। वास्तव में ही पिछले 4 साल में जो एक अभियान शुरू किया गया, एक संकल्प लिया गया कि इस कार्यक्रम को क्यों नहीं हम अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम करें, वो अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। आज हमने ये भी एक निवेदन किया है स्वामी ज्ञानानंद जी, स्वामी अवधेशानंद जी और हमारे उत्तराखंड की राज्यपाल मैडम आई थी, उनको भी हमने कहा कि पूरे देश के लोगों को भी एक विचार आप रखें कि हर प्रांत में 3-3 दिन का कार्यक्रम इस अवसर पर हो, ताकि वास्तव में ये देशव्यापी विश्वव्यापी बन जाए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने राष्ट्रीय जीवन को, वैश्विक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसको आचार चार से एक ऐसी दिशा मिले कि हम कर्मयोगी बनकर
अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जीवन में हर किसी की आवश्यकताएं होती हैं, कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, आवश्यकता पूर्ति होती है। कर्मण्येवाधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां तक तो एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, लेकिन जब फल की इच्छा रखने लग जाए कि बहुत सारा फल मिले, तो वहां आवश्यकता के ऊपर लालसाएं शुरू हो जाती हैं कि जो हमारे पास नहीं है वो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। हम किसी पड़ोसी को देखते हैं, उसके घर में बहुत कुछ है, मेरे घर में क्यों नहीं आया। हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे नीचे काम करने वाले लोग, हमारे ऊपर काम करने वाले लोग, उनके पास कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं आया। ये लालसाएं इच्छाएं जब बढ़ती हैं, तो वो फिर उस गीता के उस संदेश से बाहर चले जाते हैं कि हमारी लालसाएं पूरी हो। लालसाएं पूरी होती नहीं, फिर दुख होना शुरू हो जाता है, और फिर जेन के न प्रकारे न कैसे पूरी हो, तो फिर भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। तो इस गीता के सार में से जीवन को शुद्ध करना ये मुख्य काम होता है, जिसके कारण से आज संतों महात्माओं के प्रेरणा से, आचार विचार से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। संत साइड से प्रवेश करेंगे श्री गुरु नानक देव जी द्वार, हम मेरठ साइड से प्रवेश करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार, हम काछवा साइड से करेंगे स्वामी विवेकानंद द्वार, ऐसे संतों महात्माओं के दानवीर कर्ण का द्वार, ऐसे कई द्वार ऐसे जो नाम रखे गए हैं, इनका एक अपना एक महत्व होता है, उस शहर की संस्कृति का पता लगता है, उस शहर के अंदर लोगों का जो रहने वाले लोग होते हैं उनका पता लगता है। पुराने समय में राजा महाराजा अपने शहरों को बनाते थे, वो किला रूपी बना लेते थे, उसके चारों तरफ चार दीवारी करते थे, कुछ द्वार छोड़ते थे, वो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए द्वारों का नाम रखते थे। जैसे दिल्ली के अंदर हम देखते हैं ये लाहौरी गेट है, ये कश्मीरी गेट है, ये मोरी गेट है, ये अजमेरी गेट है, कितने 7 द्वार वहां भी बने हुए हैं। कभी कभी किसी जगह के प्रसिद्धि के लिए भी कुछ द्वार रखते हैं कि इस द्वार के नाम से इसकी प्रसिद्धि मिलेगी सारे देश में, दुनिया में। दिल्ली में एक प्रसिद्धि का द्वार है, क्या इंडिया गेट। मुंबई में गेट है, क्या है, गेट वे ऑफ इंडिया। देश और दुनिया में कहीं भी उस गेट के बारे में बताएंगे तो स्थान का के साथ जुड़ा हुआ होता है। कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो वहां भी एक इसी प्रकार से गीता द्वार बना है, पिपली के अंदर हम प्रवेश करते ही जाते हैं। तो इन महत्व होता है चीजों का, अपनी स्मृतियां जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार से हमारे करनाल का अगर पुराना शहर देखें, उसके भी अपने ये सुभाष द्वार है, ये दयाकर्म गेट है, दयाल गेट है, अर्जुन गेट है, जाटव गेट है, तो वो सारे गेट पुराने यहाँ के भी हैं। लेकिन अब नए सिरे से करनाल शहर बड़ा हो गया है, तो इसके हर एक बाहर से आने वाला मार्ग, उसके ऊपर 7 द्वारों की एक योजना एक बनी थी कुछ वर्ष पूर्व, एक एक करके बनने शुरू हुए हैं, 3 के ऊपर कुछ बन गए हैं, कुछ काम चालू हो गया, ये 7 द्वार बहुत जल्दी पूर्ण होंगे। करनाल शहर की पहचान इन द्वारों से भी जानी जाएगी। करनाल का नाम दानवीर कर्ण के नाम से है, उसी प्रकार ये प्रवेश द्वार बनेंगे तो यहाँ के लोगों को एक संस्कार अच्छा मिले, एक पहचान अच्छी मिले, देश में दुनिया में लोग जाने करनाल पहुंचते, ये चीजें हमें एक प्रकार से देखने को मिल रही है। तो मैं आज इस अवसर पर चाहे श्रीमद् भगवद गीता द्वार हो और चाहे गीता चौक हो, इन दोनों अवसरों पर आपको करनाल के अपने बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूँ। और आज ये इस गीता जयंती के अवसर पर चलने वाली विशाल शोभा यात्रा, इस अवसर का भी हम शुभारंभ करते हुए पूरे शहर में इस यात्रा को लेकर के चलेंगे, सब लोग इसका अनुसरण करें और सब लोग साथ चले। की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि वह तिथि है जब कुरुक्षेत्र की धर्म धरा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समूची मानवता के कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र में
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में इन दिनों एक विराट दिव्यता का वातावरण बना हुआ है। जो लोग इन दिनों कुरुक्षेत्र गए हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि पूरा कुरुक्षेत्र इन दिनों गीतामय है, और पूरा कुरुक्षेत्र ही नहीं, कुरुक्षेत्र के माध्यम से कुरुक्षेत्र में आने वाले लाखों लाखों लोग जो नित्य प्रति नई उत्सुकता, नए उत्साह, नई श्रद्धा के साथ कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। जी सीएम साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? श्रीमद् भगवद गीता द्वार का उद्घाटन किया, क्या कहना है? करनाल शहर के लिए अंदर आने वाले मार्ग हैं, उनके ऊपर द्वार की जो योजना बनाई गई थी उसके अंदर एक द्वार श्रीमद् भगवद गीता द्वार था, आज वो बना करके कम्प्लीट हो गया है। और सहयोग से गीता जयंती का जो मार्गशीर्ष एकादशी, इसका उद्घाटन स्वामी दयानंद जी के प्रेरणा से आज इसका उद्घाटन किया गया है। और मैं इस अवसर पर करनाल वासियों को बहुत ही बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और बहुत शीघ्र बाकी जो द्वार हैं, निर्माणाधीन हैं, उनका भी। सर, बच्चे पबजी खेलते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, लेकिन गीता की तरफ उनका ध्यान नहीं है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है स्कूलों के अंदर या और किसी माध्यम से? देखिए, बच्चों को संस्कार देने के जो बहुत से कार्यक्रम हैं वो उनके घर से भी संस्कार मिलते हैं, उनको शिक्षा में भी अच्छे संस्कार मिले इसके लिए प्रयत्न करते हैं, और सामाजिक वातावरण में भी संस्कार आए इसीलिए इन कार्यक्रमों का उपयोग है। चाहे वो गीता जयंती का कार्यक्रम है, अन्य उत्सव आते हैं, उन सब उत्सवों के माध्यम से संस्कार अच्छे मिले, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, इसी का एक उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गीता जयंती। सीएम साहब, पिछले हफ्ते जो है सीएम साहब, पिछले हफ्ते गृह मंत्री अनिल विज ने नगर निगम कार्यालय में जो है छापेमार कार्रवाई की थी और 5 अधिकारियों को सस्पेंड पाया गया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कई कमियां पाई गई थी, तो उस पर क्या कुछ जानकारी आप दे पाए? आज अनिल विज जी आए भी नहीं है, जांच के लिए एक बना दी गई जांच करवाई जा रही है, और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ। नगर निगम कमिश्नर पर भी कहा था कि 2 चार्ज है उनके पास, वो संभाल नहीं पाते, तो उस पर भी उन्होंने आपसे बात की, कह रहे थे अधिकारियों का अब अदर बदर होने वाली है, उसके अंदर जल्दी लेने का। प्याज के रेट 120 रुपए से ज्यादा, कुछ कहना चाहेंगे सरकार क्या कर रही है? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।